अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज के व्लॉग में मैं जा रहा था शादी पे, इस वजह से मैं तैयार हुआ था। तो मेरे साथ है इस टाइम जहांगीर, ये खा रहा है लेज और अभी एक पैकेट ये फेंका है इसने खा के। तो उसके बाद शादी का दिन है, शादी पर जा रहा हूँ, गाँव में शादी और टायर हो गया पंचर पंचर, तो मैं पंचर लगवाने जा रहा हूँ। जूते देखे कितने अच्छे लग रहे हैं लेकिन घुम ये मिट्टी लगी है नहीं इनको, तो चलो चलते हैं अब पंचर लगवाने। जहांगीर मेरे साथ जा रहा, पैदल जाएंगे क्योंकि ट्यूब ख़राब ना हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हो मैं लेके जा रहा हूँ इसे स्टार्ट करके आराम आराम से पकड़ के, तो पैंचर लगवाने आए। तो हाँ जहांगीर मेरे साथ है, तो बंद हो गया यार व्लॉग के चक्कर में आपके। गाइस आप देख सकते हैं हम आगे तक पहुँच गए, तो उज़ैर और साद आ रहे हैं। तो उज़ैर भाई है, तो साद है हमारे साथ, जहांगीर है, पेंचर लग रहा है इस टाइम। पेंचर लग रहा है अभी, आप देख शादी का बेड़ा गर्क हो गया, काफ़ी देर हो गई है लगे हुए भाई। तो आखिरकार पेंचर लग गया, तो अब हवा भर में लगे हैं, तो मेरे भी लगी है चोट, दिल लगा है थोड़ा सा। तो अभी जाते हैं घर, हम आज की छुट्टी भी लेनी है। तो यार हमने पेंचर लगाया था, फिर से टायर पेंचर हो गया, दोबारा मैं जा रहा हूँ अब जहांगीर के साथ, दोबारा पेंचर लगवाना है, अभी इस टाइम टायर पेंचर है। अब दोबारा फिर आए हैं हम, शेव डहा फिर आ गए घर वालों ने बाहर निकाल दिया शेव डहा को, शेव भाई को। यार जो खेड़ी थी दो तीन दफ़ा पहनी है लेकिन मुझे वो चुभ रही थी, आज सैंडल पहन के आया हूँ मैं, तो सारे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं हो गया हूँ फरार शादी की तरफ। तो दोस्तों मैं अब आ गया हूँ शादी पे, तो आप देख सकते हैं ठीक है 1-8 सेक में शादी है, तो आप देख सकते हैं गाइस पानी जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। तो गाइस लाइटें चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हम बैठक पे, सबके पास नॉन पीटीएम वाले सारे बोर हो रहे हैं, पूरे जितने बच्चे बैठे ना 600 साल में, तो सबसे पहले इसने पेपर दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं माशाल्लाह न्यू गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, लाइटिंग देखें आप, तो ये सेट कर रहे थे एसी, तो रात काफ़ी हो चुकी थी इस टाइम। तो ये हमने खाना खुना खा लिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत मज़े का खाना था, 5-6 रोटियाँ खाई हैं, बहुत मज़ा आया। उसके बाद लाइटिंग आप देख सकते हैं बड़ी VIP किस्म की लाइटिंग है, और काफ़ी मेहमान आए हुए थे शादी पे, देख सकते हैं आप कैरी डब्बा भी आया हुआ था। तो ये मेरा कज़न जहांगीर, हम इस टाइम बैठे थे, हाँ इस टाइम उनके घर में बैठे थे, शादी वाले घर में। तो आप देख सकते हैं लिमान ने भी बहुत रोटियाँ खाई हैं, जहांगीर ने भी बहुत खाई, सामने लोग बैठे हुए थे मतलब कज़न नहीं थे दूर के थोड़े। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, न्यू वाली गाड़ी वाली बिल्कुल ओके VIP। तो ये देख सकते हैं मैं लेने आया था पर्स, मामू का रह गया था गाड़ी में बटवा, जिसको आप जानते होंगे बटवे को। तो उसके बाद ये मैंने लिमान के और फाम के कपड़े आपस में बांध दिए कपड़े बांध दिए थे, फिर बहुत डांटा इन्होंने। तो उसके बाद ये मेरे हाथ में देख सकते हैं टिशू, तो मैंने हाथ उत साफ किया। आपने मुझे काफ़ी टाइम से व्लॉग्स में नहीं देखा होगा क्योंकि मैं चौक मुंडा बहुत कम आता हूँ, आज भी शादी इस वजह से आया हूँ। तो दोबारा वापस आने कब आना? सैटरडे को। ऊंची बोलो, सैटरडे को। ओके तो गाइस जैसे कि आपने बिल्ली देखे हैं, जो बिल्ली कर रही थी ओए, तो गाइस आप ये देख सकते हैं ये है खुश नसीब दूल्हा जिसकी है कल बरात और आज है मेहंदी और परसों है वलीमा। तो वलीमे वाले लोग आप ज़रूर देखना, तो मेहंदी वाला आप ज़रूर देख रहे होंगे, ये दूल्हा और मिठाई इसके सामने पड़ी है। और तो मेरा गला ख़राब है, मैं वॉइस ओवरिंग कर रहा हूँ, तो वाले को देख के स्कूल से पैसे पकड़ी जा रहा है, पकड़ी जा रहा है। अहमद ढोल बज रहा था, अहमद डांस कर रहा था, मैंने इसका व्लॉग बना लिया। तो मैं अभी खाने लगा हूँ मिठाई, तो गाइस आप देख सकते हैं मिठाई,
बहुत मजे की मिठाई थी यार, हाँ से अंगूठा चूस रहा था। तो बरात जो है वो सीन जानी है, मैं नहीं जाऊंगा यार। अहमद को मैंने फिर कहा डांस करने का, अहमद फिर डांस करेगा, वो करने लग गया अहमद फिर डांस। मैंने उसको कहा चलो मैं वीडियो नहीं बनाता, डांस करो। तो आप ये देख सकते हो यार, लाइटिंग काफ़ी प्यारी की हुई थी। शादी का ब्लॉग में बहुत देर बाद बना रहा, पहले मैंने बनाया नहीं था। तो ये डिग्गी में बिठाया था इनको, इतना था रश में, चार गाड़ियाँ थी फुल होके गए और फुल होके हम आए, इनकी जगह डिग्गी में थी। तो अहमद गाड़ी में मोबाइल लेने आया है, तो इसने मोबाइल लिया है, अभी बंद किया। इसने मुझे कहा है कि दो दफ़ा इसको रिमोट को दबाना, वो हॉर्न बजने लग गया पाम 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 पाम। इसे पता था जानबूझ के इसने स्टार्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता था कोई न्यू कंट्रोल सिस्टम था। तो मैंने लॉक किया पे बस। भाई रोज़ की तरह मैंने डेढ़ गिलास के अंदर, आज पहले तीन किरे डालता हूँ, आज पांच किरे डाले हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा पड़े हुए थे इस वजह से। तो मैं इसको पीऊँगा, ये मेरा मगा। तो उसके बाद रात हो गई है, रात के बाद इन्हें 12:45। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं आया था शादी से, मेहंदी से, तो इस वजह से फिर मुझे लग रही थी प्यास, गर्मी से लग रही थी, एक बार पी के से ठंड पड़ जाती है। उसके बाद बर्फ़ ही आई हुई है, बर्फ़ ये मैंने साफ़ करके सारा इसको रखा है, मैं बर्फ़ डालता हूँ फिर बनाता हूँ। तो गाइस एक दिन मेरे साथ ख़तरनाक प्रैंक हो गया, जैसे कि अब ये पड़ा हुआ है ना नमक, तो मुझे एक दिन लगा कि ये ग्राइंड की हुई चीनी है, क्योंकि पहले हमने चीनी भी रखी हुई तो हमने अब नहीं रखी हुई, तो मैंने वो डाल ली, सारा दूध मेरा ख़राब हो गया था उसे। एक किलो वाला मग्गा 4 kg, मतलब 4 या 5 गिलास होते हैं इसके अंदर, तो 1 लीटर से तकरीबन ज़्यादा ही है ये, तो एक बोतल होती है तकरीबन। तो ये मैं अब सारा पीऊँगा और रात को सुकून से सोऊँगा। तो फिर मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो ये मैंने बड़ी कोशिश की थी व्लॉग अच्छा बनाने के लिए, अब लोग देखते हो लाइक नहीं करते, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और कमेंट भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले लोग में, अल्लाह हाफिज़।